अब बताओ तुमने अपने चेहरे पर नकाब क्यों पहन रखा है? अब अपने चेहरे से नकाब हटा दो। तुम्हें पता है ना, हम पिछले 5 महीने से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं और तुम्हें सामने देख के ना अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे ना अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को देखना है। हटाओ ये अपने चेहरे से नकाब। तो तुम नहीं हटाओगे, लाओ मैं ही हटा देता हूँ। ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसा है? ये एक्चुअली कल ना मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरे फेस पे गरम गरम तेल गिर गया, जिसकी वजह से मेरे फेस पे इतना बड़ा निशान आ गया। अच्छा तुम ना टेंशन मत लो, हम ना इसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे और तुम देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैंने हर जगह दिखा लिया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, बट सबने बोला कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारे चेहरे पे निशान होने से तुम कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही हो? और मैं कैसे रखूंगा तुम्हें अपने साथ इतने बदसूरत निशान के साथ? आखिर मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ अरमान है। नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट नितिन, अगर तुमने जाने का सोच ही लिया है तो एक बार मुझे सही से देख के तो जाओ। अरे क्या देखूं इस चेहरे में, जो कुछ देखना था मैंने सब देख लिया है। क्या ये नकली था? मतलब तुम्हारे चेहरे को कुछ भी नहीं हुआ? हाँ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये मेकअप था। मैं बस देखना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी खूबसूरती से। अरे नहीं नहीं मुझे पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा ही कुछ मजाक करने वाली हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ बस मजाक करने लग गया। वैसे प्यार तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा करता हूँ, समझी? ये जो सब कुछ हुआ ना, इसे भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि तुम वो लड़के नहीं हो जिसकी मुझे तलाश है। और हरप्रीत कैसी है तू? सब ठीक है ना, इतने दिनों बाद मेरे घर पे? हाँ यार एक्चुअली ना तुझे पता है ना, मैं एक लड़के से ऑनलाइन बात करती थी। हाँ हाँ मुझे सब पता है। एक्चुअली ना वो मुझे मिलने के लिए बोल रहा है। हाँ तुम मिल लेना, ये तो और अच्छी बात है, तुम दोनों और क्लोज आ जाओगे। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हें तो पता है ना कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लड़के लड़कियों को यूज़ करके छोड़ देते हैं। और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहती हूँ, बस मुझे ना उसका एक लॉयल्टी टेस्ट लेना है। हाँ तो तू बता क्या हेल्प चाहिए तुझे मेरी? तू ना कुछ ऐसा कर जिससे मुझे ये पता चल जाए कि वो मुझसे प्यार करता है, ना कि मेरी खूबसूरती से। तो तू एक काम कर। सही कहा था उसने कि अगर किसी की असली सूरत देखनी हो ना तो उसे घिनौनी सूरत दिखानी बहुत जरूरी होती है, और आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे नहीं मेरी खूबसूरती से प्यार करते थे। देखो अर्पित मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, अब प्लीज तुम जाओ मेरे घर से। अर्पित जाओ।